पैसा आपको मिलेगा और हाफ गूगल को मिलेगा। जैसे इसका आंसर है आपका चैनल डीमोनिटाइज हो जाएगा। हमारे चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है, कॉपीराइट क्लेम मिला है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कब आपका चैनल मोनिटाइज होगा? एक वीडियो में 4000 घंटे का वॉच टाइम होना जरूरी है। हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी शाइनी। मैंने कुछ दिनों पहले ना एक वीडियो शेयर किया था विच वेंट वायरल, और वो वीडियो आप सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को कमेंट्स देखकर, एंड मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, ये आप सबको पता है। सो इस वीडियो के नीचे भी आपके जो भी क्वेरी है रिलेटेड टू यूट्यूब या कुछ भी, तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं खुशी खुशी रिप्लाई करूँगी। इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपका क्वेरी को भी सॉल्व करूंगी। आज के इस वीडियो में मैं उस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट्स है, जो भी क्वेरीज थे, कुछ कॉमन क्वेरीज के आंसर्स दूंगी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था वो था कि मोनिटाइजेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कब आपका चैनल मोनिटाइज होगा। अभी रीसेंट जो 2021 का अपडेटेड YouTube पॉलिसी है उसके हिसाब से आपका चैनल मोनिटाइज तभी होगा जब आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे एंड उसके साथ 4000 आवर्स का, मतलब 4000 घंटे की वॉच टाइम होगा। मतलब आपके वीडियोस को 4000 घंटे तक देखना पड़ेगा, सारे वीडियोस। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीडियो में 4000 घंटे का वॉच टाइम होना ज़रूरी है, जितने भी वीडियोस आपने अपलोड किया है चैनल खोलने के बाद से, सारे वीडियोस का जो टोटल व्यू है उसमें 4000 घंटे का वॉच टाइम होना ज़रूरी है चैनल को मोनिटाइज होने में। ये जब मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ था ना, तभी ये सेम पॉलिसी था, लेकिन 2021 में जो अपडेटेड पॉलिसी है यूट्यूब का, उसमें है कि आपके चैनल में एड्स चलते हैं नो मैटर योर चैनल इज मोनिटाइज्ड और नॉट। आपने एक वीडियो डाला है, आपका नया चैनल है, 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 आवर्स वॉच टाइम भी नहीं है, एड्स चलने लगे, ये मत समझिएगा कि आपका चैनल मोनिटाइज हो गया, डॉलर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब के नए पॉलिसी के हिसाब से आपके चैनल ओपन करने के बाद से ही जब आप वीडियोस अपलोड करोगे ना, यूट्यूब उसमें ऐड चलाएगा। अब उसका जो पैसा है वो पूरा जाएगा यूट्यूब को, मतलब गूगल को वो पैसा पूरा जाएगा, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा तब से जो भी एड्स आपके व्यूअर्स देखेंगे उसका हाफ पैसा आपको मिलेगा और हाफ गूगल को मिलेगा, जैसा हमारे चैनल पे होता है। मोनिटाइजेशन मतलब कि आपके चैनल पे जो भी एड्स, आपके वीडियोस पे जो भी एड्स चलेंगे, जो आपके व्यूअर्स देखते हैं, तो वो एड्स का हाफ पैसा आपको मिलेगा और हाफ पैसा गूगल को मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा उसका पैसा आपको मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका मोनिटाइज्ड चैनल नहीं है फिर भी यूट्यूब ऐड चला रहा है, तो उस ऐड को अगर आपका कोई व्यूअर देख रहा है, इसका मतलब उसका पूरा पैसा गूगल पर, गूगल को मिलेगा। सो ये एक स्मार्ट पॉलिसी अपडेट किया है यूट्यूब ने, विच इज़ गुड, आई थिंक दैट्स रियली गुड। अब ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था, सो आई होप आपके इस वाले क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल गए हैं। दूसरा एक सवाल मुझे कुछ किसी सब्सक्राइबर ने पूछा, कुछ ही दिन पहले मैं लाइव गई थी, एक्चुअली मैं वीकेंड में शाम को लाइव जाती हूँ और उसमें मैं चैनल रिव्यू करती हूँ। मतलब आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे लाइव सेशन पर आए हैं, आपके चैनल को विजिट करती हूँ, आपके चैनल को सब्सक्राइब करती हूँ, वीडियो देखती हूँ, लाइक करती हूँ, एंड मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए अपने चैनल में, या फिर आपका क्या फॉल्ट है, क्यों व्यू नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, मुझे इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा नहीं है। जितना नॉलेज मेरे पास है उतना मैं शेयर करती हूँ। अगर आपको वो चाहिए तो आप उसमें लाइव में आकर आप चैनल रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए देन वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन जितना एक्सपीरियंस मुझे है वो मैं चाहती हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूँ, उन्हें हेल्प करूँ ग्रो करने के लिए। बिकॉज मैं मानती हूँ कि अगर मैं कहीं ग्रो कर रही हूँ देन मैं हेल्प करूँगी मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो जिनके वजह से मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ, उनको भी सपोर्ट मैं करूँ विदाउट एनी गेन और वॉट। क्योंकि बहुत लोग मुझे जीमेल मेल करते हैं या फिर इंस्टा पर भी डीएम कर रहे हैं आजकल कि मैं इतना पैसा दूंगा, आप मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, आप प्रमोशन के लिए कितना लेते हो। तो मैं पैसा लेकर कोई किसी के चैनल को प्रमोट नहीं करती हूँ,
आप मेरे लाइव सेशन पर आइए, आपका जो चैनल, मैं जो चैनल रिव्यू करती हूँ ना वीकेंड पे, मतलब सैटरडे एंड संडे शाम 6-7 बजे, तो उस टाइम आप रिक्वेस्ट करें तो मैं आपके चैनल को रिव्यू करूँगी एंड उस टाइम मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करती हूँ, सबके सामने आपके चैनल का नाम भी बोलती हूँ एंड सबको बोलते भी हूँ कि आपका कॉन्टेंट अच्छा है एंड सभी आपके वीडियोज़ को देखें। तो इस तरीके से एक दूसरे से जान पहचान होती है, इंटरेक्शन होता है एंड आपका चैनल भी लोगों तक पहुँचता है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर 10 लोगों तक पहुँचता है एक ही दिन में, देन वही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बट उसमें ना मुझे किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन कि अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है, उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, फिर अगर मेरा चैनल का जो सब्सक्राइबर काउंट है वो 1000 से कम हो गया तो क्या होगा? इसका आंसर है आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, डॉलर्स नहीं आएंगे और चैनल में से आपको कोई इनकम नहीं होगा। अगर फिर से 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गया फिर मोनेटाइज होगा, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आपका 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाता है ना, उसके बाद वॉच टाइम कंप्लीट करना इज़ अ वेरी टफ टास्क। वॉच टाइम कंप्लीट करने में क्योंकि 4000 घंटे का वॉच टाइम बहुत बड़ी बात है, इसे कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है, उसमें आपके 1000 सब्सक्राइबर्स से वो 2000-3000 भी हो सकता है, तो वो इतनी जल्दी उतना कम नहीं होता अगर आप सही तरीके से यूट्यूब पर हैं तो। सो ये बहुत एक रेयर कंडीशन है, ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर होता है देन चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। सो ये क्वेरी भी मैंने आप लोगों की सॉल्व कर दिया है। अब कई लोग ये भी बोल रहे थे कि हमारे चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है, कॉपीराइट क्लेम मिला है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉपीराइट क्लेम चैनल पर आ सकता है, दैट्स क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि अगर आप कोई गाना इस्तेमाल कर रहे हैं टी सीरीज़ का तो उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा टी सीरीज़ से। इसका मतलब उस पर्टिकुलर वीडियो से जो भी इनकम रहेगा आपका, डॉलर रहेगा, वो टी सीरीज़ को ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इससे आपके चैनल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, चैनल पर कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आपके रिवेन्यू पर, आपके इनकम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। मानो कोई वो वीडियो वायरल हो गया, ठीक है, लेकिन उसमें जो पैसा आएगा ना वो टी सीरीज़ को, मतलब जिसने कॉपीराइट क्लेम किया है उसको चला जाएगा, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब बात है कि कॉपीराइट स्ट्राइक की, कॉपीराइट स्ट्राइक 3 से ज़्यादा आने पर चैनल पूरा एकदम बंद हो जाएगा, यूट्यूब चैनल को एकदम आपका चैनल पूरा ही बंद कर देगा। कॉपीराइट स्ट्राइक तभी आता है जब आप यूट्यूब पॉलिसी को वायलेट करते हैं, तो किसी दूसरे के वीडियोस को बार बार अपने चैनल पर इस्तेमाल करना, अगर उसने आपको एक वार्निंग दी है उसके बाद भी उनके वीडियोस को आपके चैनल पर दिखाना वो चाहता है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक लगा सकता है। कॉपीराइट स्ट्राइक इज रियली डेंजरस। तो कॉपीराइट स्ट्राइक अगर मिलता है तो एक बार मिल गया ठीक है, कोई बात नहीं, दो बार मिलता है दैट्स द लास्ट वार्निंग, तीन बार मिल गया मतलब फिर टर्मिनेट कर देगा यूट्यूब आपके जो चैनल है ना उसको पूरा टर्मिनेट कर देगा। सो बी अवेयर ऑफ दैट, कॉपीराइट स्ट्राइक्स आर वेरी वेरी डेंजरस, लेकिन जनरली वो नहीं आता है, कॉपीराइट क्लेम्स ही आता है जनरली कॉपीराइटेड सॉन्ग्स को इस्तेमाल करने की वजह से। सो ऑलवेज यूट्यूब म्यूजिक लाइब्रेरी से ही सॉन्ग्स सिलेक्ट करें। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई थिंक मैंने आपके जो कॉमन क्वेरीज थे जनरली उसको सॉल्व किया है। कुछ भी मन में क्वेरी है, डोंट वरी, इस वीडियो को नीचे जस्ट कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी भी लाइव सेशन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ट्राई करूँगी एक अलग से वीडियो बनाकर शेयर करूँ, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को हेल्प करती है। सो या गाइस, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय।